फतेह गुरु प्यारी साध संगत जीओ, यो महान स्थान है जिथे साहेब श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी ने सब तो पहला धर्म युद्ध फतेह किया। धर्म युद्ध बाई धार दे पहाड़ी राजे भीम चंद फतेह शाह नाल होया। भीम चंद अपने लड़के अजमेर की जंझ लैके गढ़वाल श्रीनगर फतेह शाह दे घर पुजिया। फतेह शाह जो है यह गुरु घर का प्रेमी इन गुरु जी ने अपनी लड़की के ब्याह से बुलाया। सतगुरु जी ब्याह तो नहीं गए पर सतगुरां ने 1.25 लाख का तंबोल यानी कि सगन का समान वस्त्र गहने दे के सिखां नूं ब्याह भेजिया। जदों सिखां ने ब्याह भी जाके सगन दी इक वस्तु विखाई जो कि बहुत ही कीमती सन, यह देख के सारे चकाचौंध हो गए कि इन्ना कीमती समान तो किसी राजे ने भी दिता जिन्ना गुरु जी ने। साड़ी तो नाक ही वड्डी गई। भीम चंद ने फतेह शाह नूं आख्या, जे तैं गुरु वालों आया होया समान लैना है तो मैं तेरी लड़की का डोला लैके नहीं जावगा। जेकर तू मेरे नाल मिल के गुरु के खिलाफ जंग करूँगा तो मैं तेरी लड़की का डोला लैके जावगा। फतेह शाह ने भीम चंद नूं बहुत समझाया पर वह नहीं मनिया, क्योंकि जो भीम चंद से गुरु घर नाल बहुत इरखा रखता सी। अखीर नूं फतेह शाह डोल गया, इन समान वापस करता। समान पिछे झगड़ा हो गया ते सिखां ने आके सारी गलबात पौंटा साहिब मारूं दसी ते नाल ये भी दसिया कि फौज आई जान समझो जंग की तैयारी की जाए। सतगुरां ने आख्या कि पौंटा साहिब जंग ना की जाए, जेकर पौंटा साहिब जंग होई तो साडे हत्थी वसाई नगरी का नुकसान होगा, क्योंकि पौंटा साहब सतगुरां के बैठने करके बसिया तो जिथे जंग होंदी है उत्थे सिवा नुकसान तो कुछ नहीं होंदा। ये इलाका जंगल बियाबान सी ते फौजां निकलना सी। सो सतगुरु जी पौंटा साहब तो चल के इस स्थान पर पुजे, इत्थे अपना पड़ाव किया कैंप लगाया। सतगुरां ने अपने हत्थी घोड़े बानी नूं कुछ किले कटवाए जो बाद में दरख्त बन गए। उन्होंने एक जामुन का किला दरख्त के रूप में बाहरले पासे मौजूद खड़ा जो कि सतगुरां की पृथक निशानी है। पिछे गुरद्वारा जो तीरगढ़ी साहब है उस स्थान पर सतगुरां ने मोर्चेबंदी करवाती। सतगुरां को जो पठान संढोरे वाले पीर बुद्धू साज नौकर रखाए सन ये भी नमक हराम हो गए, जाके पहाड़ी राजा ने मिल गए। इन्हों चो एक पठान काले खां नाम का अपने 100 साथियों समेत गुरु जी को रहिंदा है। जदों संढोरे पीर जी नूं पता लग्या कि पठान नमक हराम हो गए तो पीर जी नूं बहुत दुख होया। पीर जी अपने 700 मुरीद 4 पुत्र ते 2 भरावां नाल लैके इस जगह पर पुजे। सतगुरां नाल उन्हां दी भूआ बीबी बीरो जी दे 5 पुत्र भाई संगो साह जीत मल गुलाब राय गंगा राम ते माहरी चन योधे ने। सतगुरां की फौज बहुत घट है जबकि राजियां दी फौज कई गुणा वध है, जिन्हां विच अनेक राजे ते उन्हां दीआं फौजां ने। इह पठाणा ने राजियां नूं दस्सिया कि हुण गुरु को लड़ने वाला कोई नहीं रहा, असीं लड़ने वाले थे सी तां आ हुण तां उन्हां कोल कोई साध है, कोई हलवाई, कोई लांगरी, कोई घाईआ, पर गुरु कोल माल बहुत है, आपां जो लुट करांगे सारी साडी होवेगी। राजे मन गए, जंग शुरू हो गई। जंग दा नाम सुन के जो सतगुरां कोल 587 साधु पौंटा साहिब विच रहिंदे सन जो कि गुरु के लंगरां चों लंगर छकदे सन, पर जंग दा नाम सुन के ये भी रातों रात भी 499 भज गए। इन्होंने सोचिया कि ते मारा संडल ना भेजन। एक बाबा कृपाल दास जी रहे, उन्होंने इस जगह पर आके अपने कुत्के नाल, कुत्का एक लकड़ी का मोटा सोठा होंदा उस नाल हाथ खांदा सिर पन्निया। सतगुरां कोल 2 सिख ने, भाई लाल चंद घाही ते भाई लाल चंद हलवाई, जिन्हां ने जिंदगी कभी कृपा नूं हथ ला के नहीं देखिया। ये सूरमे जोश जैसे जूझे कि इन्हां ने अपने खोंचे नाल ही कईयां दे सिर लाहे। ये देख के पठान हैरान कि मझां चारने वाले सिखां चन्नी ताकत कित्थों आ गई। भीम चंद ने निजामत खां पठान नूं आख्या कि तू तां कहिंदा सी गुरु को लड़ने वाला कोई नहीं रहा, हुण साडी फौज पिछा नूं कौण धक्क रहा है, तू गाह नूं वध के सिखां नूं खत्म कर दे, मैं तेनों बद चढ़ के इनाम देवांगा। निजामत खां गाह बधिया। इधर संगो साह हुणी 5 भरा जूझे हुए ने, इन्हां चों संगो साह गाह नूं बधिया। दोनों का टकराव होया, घमसान दर्द मच गया। एक पासे पीर बुद्धू शाह ते उन्हां दे मुरीदा ने काफ़ी घमसान दर्द छेड़िया होया है। ये सारा कुछ सतगुरु जी नीले ते सवार होकर उच्ची टिब्बी तो देख रहे हैं।
ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਨਿਜ਼ਾਮਤ ਖਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪਠਾਣਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਦਾ ਹੋਇਆ ਅਖੀਰ ਨੂੰ ਵੀਰ ਸੰਗੋ ਸਾਹਿਬ ਵੀਰਗਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ। ਜੰਗ ਹੁੰਦੀ ਨੂੰ 12 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਤੀਰ ਨਹੀਂ ਚਲਾਇਆ, ਇਕੱਲੇ ਸਿੱਖ ਲੜਦੇ ਰਹੇ। 12 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਕਾਫੀ ਸਿੱਖ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ, ਭਾਈ ਸੰਗੋ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਭਾਈ ਜੀਤ ਮਲੇ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ। ਤਾਂ ਫਿਰ 13ਵੇਂ ਦਿਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪ ਖੁਦ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਤੀਰ ਚਲਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਤੀਰ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਖੜ ਸਕੇ। ਕਈ ਮਰੇ, ਕਈ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ, ਕਈ ਮੈਦਾਨ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਇਹ ਰਾਜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਰੀਚੰਦ ਹੰਡੂਰੀਆ ਬਹੁਤ ਤਕੜਾ ਨਿਸ਼ਾਨਚੀ ਰਾਜਾ ਸੀ। ਇਹਨ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਫੌਜ ਪਿਛਾਂ ਨੂੰ ਭੱਜ ਰਹੇ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਖੁਦ ਤੀਰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੈਨ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਆ ਕੇ ਆਪਣਾ ਘੋੜਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਵੱਲ ਵਧਾਇਆ, 3 ਵਾਰ ਕੀਤੇ। ਪਹਿਲਾ ਤੀਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਘੋੜੇ ਕੱਠ 'ਚ ਲੱਗਿਆ, ਦੂਜਾ ਤੀਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਦਸਤਾਰ ਕੰਨ ਕੋਲ ਛੂ ਕੇ ਚਲੇ ਗਿਆ ਅਤੇ ਤੀਜਾ ਤੀਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਕਮਰ ਕਸੇ ਨੂੰ ਚੀਰਦਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਕੁ ਸਰੀਰ 'ਚ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਉਹ ਤੀਰ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਪੁੱਟ ਕੇ ਪਰਾਂ ਸੁੱਟਿਆ ਅਤੇ ਪੰਗਤੀ ਉਚਾਰੀ, ਜਬੈ ਬਾਣ ਲਾਗਿਓ ਤਬੈ ਰੁੱਸ ਜਾਗਿਓ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਹਰੀਚੰਦ ਹੰਡੂਰੇ ਵੱਲ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰੀ। ਇਹਨ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ 'ਤੇ ਸੰਜੋਗ ਪੈਣੀ ਲੋਹੇ ਦੀ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਕੋਈ ਤੀਰ ਤਲਵਾਰ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇਹਦਾ ਮੂੰਹ ਅਤੇ ਅੱਖਾਂ ਖਾਲੀ ਸੀ। ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਹੰਕਾਰ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਸਰੀਰ 'ਤੇ ਕੋਈ ਸ਼ਸਤਰ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਮੂੰਹ 'ਚ ਮੇਰੇ ਕੋਈ ਮਾਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਕਮਾਲ ਦਾ, ਇਤਿਹਾਸ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਇੰਨਾ ਤੇਜ਼ ਸੀ, ਜੇ ਸਤਿਗੁਰ ਤੀਰ ਦੀ ਨੋਕ ਜਿੰਨੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਸਨ ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਆਰ ਪਾਰ ਤੀਰ ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਮੂੰਹ ਖਾਲੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਹੀ ਤੀਰ ਇੰਨੀ ਜ਼ੋਰ 'ਤੇ ਖਿੱਚ ਕੇ ਮਾਰਿਆ, ਪਹਿਲਾ ਹੀ ਤੀਰ ਹਰੀਚੰਦ ਹੰਡੂ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਲੱਗਿਆ। ਮੂੰਹ 'ਚ ਲੱਗਦੇ ਸਾਰੀ ਦੀ ਗਰਦਨ ਧੜਨ ਦੂਰ ਡਿੱਗੇ। ਇਹਦੇ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗਦੇ ਹੀ ਫੌਜਾਂ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਭੱਜਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਭੱਜਣੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਭਗਾਣੀ ਸਭ ਨਾਮ ਪਿਆ ਅਤੇ ਜਮਨਾ ਪਾਰ ਕਰਦੇ ਬੇੜੀ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਕਈ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਲੜ ਮਰੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 13ਵੇਂ ਦਿਨ 18 ਵਿਸਾਖ ਸੰਨ 1686 ਨੂੰ ਜੰਗ ਫਤਿਹ ਹੋਈ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਪੰਕਤੀ ਉਚਾਰੀ, ਭਈ ਜੀਤ ਮੇਰੀ ਕਿਰਪਾ ਕਾਲ ਕੇਰੀ, ਰਣੰਗ ਜੀਤ ਆਏ ਜਯੰਗ ਗੀਤ ਗਾਏ। ਜੰਗ ਜਿੱਤ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਇਸ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਪੁੱਜੇ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਕਿ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈ ਹੋਵੇ, ਆਪ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਦਿਨ ਜੰਗ ਫਤਿਹ ਕਰਤੀ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਵਧਾਈ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਕੇ ਫਤਿਹਨਾਮਾ ਉਚਾਰਨ ਕਰਕੇ ਆਖਿਆ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।